नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आप देख रहे हैं बड़ी बात। आज बड़े फैसलों पर बड़ी बात हम करेंगे। जयराम कैबिनेट की पहली बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। एक तेजी जो दिखनी चाहिए, जो सरकार से उम्मीद की जाती है, वो नई कैबिनेट से, नई सरकार से दिखती नजर आई है। बड़े फैसले इस बैठक के दौरान लिए गए। मैं जयराम ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित। हिमाचल प्रदेश की मिट्टी बुधवार को एक नए इतिहास की गवाह बनी। यहां पहली बार मंडी के विधायक जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी पहली बार मौजूद रहे। शिमला के रिज मैदान पर हो रहे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने जयराम ठाकुर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। निश्चित रूप से मेरा प्रयत्न यही होगा, मेरी कोशिश यही होगी कि जो विश्वास प्रदेश की जनता ने और मेरे क्षेत्र की जनता ने जो हम पर व्यक्त किया है, उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं मानता हूं कठिन काम है, बहुत सारे चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद उन चुनौतियों का सामना करके हम आगे। जयराम ठाकुर ने खुले मैदान में जनता के सामने शपथ ग्रहण की और उनके बाद 10 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वालों में महेंद्र सिंह ठाकुर, सुरेश भारद्वाज, रामलाल मारकंडा, सरवीण चौधरी, राजीव सैजल, अनिल शर्मा, विपिन परमार, वीरेंद्र कंवर, विक्रम सिंह, गोविंद सिंह शामिल रहे। पिता की आई याद। शपथ से पहले ठाकुर को अपने पिता की याद आ गई और उन्होंने कहा कि आज मेरे पिता होते तो बेहद खुश होते। उनका एक साल पहले निधन हो गया। मेरे माता जी भी अस्वस्थ हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, यही बड़ी बात है। लोगों ने हम में विश्वास दिखाया है, हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। वहीं जयराम ठाकुर की पत्नी साधना ने कहा कि ये आम लोगों के विश्वास की जीत है। सरकार से ढेर सारी उम्मीदें हैं कि वो लोगों की समस्याओं को समझकर उन्हें सुलझाने का प्रयास करेंगे। मंडी के लोगों के लिए खास दिन। आज का दिन मंडी के लोगों के लिए बेहद खास है, क्योंकि पहली बार इस सीट का कोई विधायक राज्य का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। छोटा राज्य होने की वजह से यहां कैबिनेट में सिर्फ 11 मंत्री तक ही रह सकते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण में ठाकुर के साथ 11 मंत्रियों के शपथ लेते ही यहां एक और नया इतिहास रचा गया। शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने के लिए शिमला के रिज मैदान पर सुबह से ही लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी और कार्यक्रम के दौरान लोगों का हुजूम देखने वाला था। हिमाचल की जनता में अपने नए सीएम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में वीवीआईपी नेता शामिल हुए, जैसे कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, थावरचंद गहलोत, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा समेत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री और 6 राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के कई भागों से करीब 50,000 लोगों के शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो कौन कौन मंत्री बने और किस तरह से शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम रहा, वो हमने आपको जानकारी दी इस रिपोर्ट के जरिए कि पीएम खुद पहुंचे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और बीजेपी शासित राज्यों के मुखिया भी समारोह के दौरान पहुंचे। तो कैबिनेट बन गई, कैबिनेट की पहली बैठक भी हुई जिसमें बड़े कई फैसले लिए गए। अब हम बात करेंगे कि किस लिहाज से ये चुनाव जो है अलग रहे, इसके परिणाम अलग रहे। तो हिमाचल के चुनाव कई लिहाज से अलग रहे। मंडी से सीएम बनने से लेकर कैबिनेट में शामिल चेहरों के साथ जो सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी वो ये कि धूमल के गृह जिले से किसी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। साथ ही जेपी नड्डा के गृह जिले से किसी को कैबिनेट में बुलाया नहीं गया। तो सवाल ये उठता है कि 73 साल पूरे कर चुके धूमल के राजनीतिक करियर पर क्या ग्रहण मानकर चला जाए, क्या सोच लिया जाए कि सक्रिय राजनीति से धूमल दूर हो जाएंगे। मैं जयराम ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चुनाव के बाद भी इंतजार और इंतजार के बाद मिली कैबिनेट हिमाचल के नए मुखिया और कैबिनेट के शपथ ग्रहण का भव्य आयोजन।
देश की पीएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा बाकी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत पार्टी के दिग्गज उपस्थित रहे। राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। जब मंच से विधायक से मंत्री बनने जा रहे दिग्गजों के नाम घोषित किए गए तो करीब करीब वैसे ही कैबिनेट निकलकर सामने आए, जिसकी जानकारी आपको खबरें अभी तक ने बताई थी। लेकिन एक बात जो हैरानी का कारण बनी वो ये कि नए मंत्रिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के जिले हमीरपुर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के गृह जिले बिलासपुर को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इस बार के चुनाव और चुनाव के बाद की स्थिति और उसके बाद सीएम के नाम की घोषणा और फिर कैबिनेट, सब कुछ थोड़ा अलग रहा। हालांकि मंडी की राजनीति के लिए ये नए इतिहास जैसा रहा, लेकिन हमीरपुर के लिए भी वाकई बेहद अलग रहा। जहां के नेता की पहले सीट बदली जाती है वो हार जाते हैं, सीएम की रेस से बाहर हो जाते हैं और साथ ही उनके करीबी भी चुनाव हार जाते हैं। लेकिन उसके बाद इंतजार और उम्मीद खत्म नहीं होती। कयास ये भी रहते हैं कि शायद धूमल की पसंद को कैबिनेट निर्माण में जगह मिले। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी उस वक्त होती है जब हमीरपुर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। किसी तरह के मतभेद से इनकार करने वाली बीजेपी उन तस्वीरों को नकार नहीं पाएगी। जब सीएम के नाम पर पीटर हाफ में चर्चा जारी थी और धूमल समर्थकों की ओर से धूमल सीएम बनाए जाए जैसे नारे उनके पक्ष में लगाए गए, साथ ही उसके बाद एक और तस्वीर जो सवाल खड़े करती है। जब कैबिनेट के चेहरों की घोषणा हुई उसके बाद धूमल समर्थकों की जो निराशा थी वो एक बार फिर सामने आई। शिकायतें अपने नेता के सामने ही सही लेकिन की गई। हमारे नेतृत्व से बाहर निकला है, इसलिए संगठनात्मक दृष्टि से जिला मासू ऑलरेडी अलग है जिला शिमला से, उससे हमारे को थोड़ा सा दुखद समाचार सुनना पड़ा। सवाल अब खड़े होते हैं कि क्या जयराम को फ्री हैंड दिया गया? क्या धूमल को पार्टी हाईकमान ने गैर जरूरी मान लिया? क्या धूमल की अब हिमाचल की राजनीति से प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से सूबे की राजनीति से पकड़ खत्म हो जाएगी? और एक और सवाल, 73 साल पार कर चुके धूमल का राजनीतिक करियर क्या खत्म हो जाएगा? खबरें अभी तक से ज्योति सांगवान की रिपोर्ट। तो जयराम कैबिनेट बनने के बाद आज पहली बैठक की गई और एक्टिव मोड में कैबिनेट नजर आई, सीएम एक्टिव मोड में नजर आई और इस बैठक के दौरान कई बड़े फैसले लिए गए। एक्शन में जयराम, कैबिनेट के बड़े फैसले, कर्मचारियों और अधिकारियों को दी गई पुनर्नियुक्तियां, सेवा विस्तार तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है, विभिन्न बोर्डों और निगमों में मनोनीत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग के परिवेश से बाहर की भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है। मेडिकल कॉलेज को इससे छूट दी जाती है। जो स्थानांतरण आदेश अभी कार्यान्वित नहीं हुए हैं वे स्थगित किए जाते हैं। बेसहारा पशुओं की समस्या के निदान हेतु उपयुक्त नीति निर्धारण करने के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया जाएगा। समिति के सदस्य अनिल शर्मा, रामलाल मारकंडा और गोविंद सिंह ठाकुर होंगे। वर्तमान में जो 80 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को बिना आयु की सीमा के जो पेंशन दी जाती है उसकी आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की जाएगी, जो जनहित का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। विधानसभा सत्र धर्मशाला के तपोवन में 9 जनवरी से 12 जनवरी 2018 तक आयोजित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पिछली सरकार द्वारा लिए गए गत 6 महीनों के निर्णयों की समीक्षा की जाएगी। भाजपा का स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र 2017 को सरकार का नीति दस्तावेज बनाया जाएगा।
तो कैबिनेट की आज घोषणा हो गई कि कौन कौन मंत्री होंगे। मुखिया ने आज शपथ ले ली और इसके बाद जो जिम्मेदारियां शुरू होती है कि पहली बैठक कर ली गई, बड़े फैसले ले लिए गए, उन बड़े फैसलों को लेकर बड़ी चर्चा करेंगे, बड़ी बहस हम करेंगे। साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि क्या प्रेम कुमार धूमल की जो सक्रिय राजनीति है उससे धूमल को दूर कर दिया जाएगा या बाकी कोई गुंजाइश, बाकी कोई विकल्प बचते हैं, और क्या कुछ कारण रहा कि जेपी नड्डा के गृह जिले से किसी को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, किसी भी विधायक को कैबिनेट में शामिल क्यों नहीं किया गया। तो सवालों के जवाब लेंगे, कुछ खास मेहमान हैं हमारे साथ। रंजीता मेहता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आप हैं, साथ ही अनिल आर्य हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हैं, और अमनदीप ठाकुर मेरे सहयोगी सीधे मंडी से हमारे साथ जुड़े हैं। तो स्वागत है सभी का इस चर्चा में। अमनदीप, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, किस तरह की तस्वीर आप फिलहाल देख रहे हैं कि कैबिनेट की घोषणा हो गई, कैबिनेट निर्माण हो गया, पहली बैठक भी हो गई और बड़े फैसले लिए गए? ज्योति, जिस तरह से आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके बाद कैबिनेट की पहली मीटिंग बुलाई गई और बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे पहली बात है, जिस तरह से ये मंत्रिमंडल बनाया गया है, कहीं ना कहीं मिश्रण नज़र आता है उन चेहरों का जो जिनको एक्सपीरियंस है, पहले अनुभव है पहले, और जिस तरह से एक नया चेहरा मुख्यमंत्री का निकल कर सामने आया है, युवा मुख्यमंत्री है, और युवाओं का और जो अनुभव है उनका मिश्रण नजर आता है, तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छी बात है ये। और जिस तरह के निर्णय लिए गए हैं, तो पहले ही शॉट में यहाँ जयराम ठाकुर जी ने साफ कर दिया है कि वो जनता के हित के जितने भी कार्य हैं उनको निष्ठा के साथ करेंगे, और जिस तरह के आज निर्णय मंत्रिमंडल में ले गए हैं उन्होंने, ये उनका जो दृष्टिकोण है वो साफ कर दिया है, साफ तौर पर कि जो आखिरी छः महीने के जितने भी फैसले कांग्रेस की सरकार ने लिए थे, पिछली सरकार ने, उनकी समीक्षा होगी, उन पर विचार मंथन होगा कि वो ठीक है या नहीं है, और बाकी जो डिसीजन लिए गए हैं वो वाकई में वो सोचने पर मजबूर करते हैं कि आगे आने वाले 5 साल में अब क्या कुछ जो रणनीति है वो रहने वाली है। पहले ही शॉट में कहीं ना कहीं उन्होंने चौका जमा दिया। अमनदीप, साथ ही मंडी की हम बात कर रहे हैं, सीएम पहली बार वहां से आए हैं, दो मंत्री मंडी से आते हैं, साथ ही आप मंडी में ही उपस्थित हैं, तो पब्लिक क्या सोचती है कैबिनेट को लेकर? जी जी बिल्कुल, यहाँ आपको बता दूं, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं अजीत कपूर जी, जो प्रेस सचिव हैं जिला मंडी के, उनसे हम जानते हैं जो कैबिनेट आज तय की गई है शपथ ग्रहण समारोह में, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, किस तरह की कैबिनेट है, क्या आपको लगता है कि ये जो कैबिनेट है वो सक्षम है हिमाचल प्रदेश के लिए काम करने के लिए? बिल्कुल, कैबिनेट बिल्कुल सक्षम है, और इसमें पूरे 4 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर सबको प्रतिनिधित्व दिया गया है, और इसमें सब कास्ट और सब प्रकार के लोगों को इसमें शामिल किया गया है, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी, जो आज पहली कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें जो रिटायर्ड हायर्ड जैसे लोग थे ना, सबको उनको कह दिया कि उनकी छुट्टी हो जाएगी, यंग और आगे चलने वाली सरकार है ये। और सबसे बड़ा निर्णय जो आज लिया गया है वो पेंशन का लिया गया है, मतलब जो ओल्ड एज पेंशन है उसको उसकी आयु घटाकर 80 से 70 वर्ष कर दी गई है, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है, ताकि जिसमें आम लोगों को बड़ा लाभ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं लाभ होने वाला है, आपको लगता है कि जो मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए गए हैं उनके पास अनुभव भी है, और मुख्यमंत्री जो हैं बिल्कुल नए हैं इस कुर्सी के लिए, तो ये जो टीम बनाई गई है नई वो बिल्कुल सही टीम है, और आगे जो 5 साल में जो कार्य करेगी, जो पिछली सरकार रही है उससे बेहतर कार्य कर सकेगी? बिल्कुल बेहतर कार्य करेगी। मुख्यमंत्री महोदय जयराम जी जो हैं उनका भी एक्सपीरियंस है, वो पिछले कैबिनेट के अंदर कैबिनेट मंत्री रहे हुए हैं, उनका पूरा हिमाचल का पूरा उनका नॉलेज है, और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, इसलिए प्रत्येक जगह से पूरे हिमाचल से वाकिफ हैं, और प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक उनको जानते हैं, इसलिए सरकार चलाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, सरकार चलाने में मुश्किल कोई नहीं आएगी। लेकिन आपको लगता है कई तरह की चुनौतियां यहाँ, दो बार के जो सीएम रहे उनके गृह जिले से किसी को मंत्री तक नहीं बनाया गया है, उसको लेकर क्या सोचती है बीजेपी? जी 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 बिल्कुल, जिस तरह से नया चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए जयराम ठाकुर जी का जो चेहरा है, लेकिन जो पहले दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रेम कुमार धूमल, उनके
इलाके से अगर हम बात करें, उनके एरिया से, उनके जिला से किसी को भी मंत्री मंडल में शामिल नहीं किया गया है, आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जो मंत्रिमंडल बनाया है उनके पूरी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से बना हुआ है, और पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी हर एक जगह को प्रतिनिधित्व दिया गया है। मंडी से ऐसे तीन मंत्री हैं, तो वहाँ हमीरपुर जिला से पार्लियामेंट्री तीन ही मंत्री हैं, दो मंत्री जो हैं शिमला पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से हैं, तो सबको सब कांगड़ा से भी तीन पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी मंत्री बनाए गए हैं, इसे सबको प्रतिनिधित्व दिया गया और सबको बराबर प्रतिनिधि दिया गया है, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। ये तो प्रेस की स्पेकुलेशन, उनकी जो बोर्ड है उनकी स्पेकुलेशन हो सकती है। चलिए मंदिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे, बाकी मेहमान भी हैं हमारे साथ स्टूडियो में, उनका रुख आप जो करेंगे आप बने रहिएगा, बातचीत करते रहिएगा। रंजीता जी आपके पास हम आएंगे, काफी अलग रहे इस बार के चुनाव, विपक्ष में आप हैं और जिस तरह की कैबिनेट की तेजी देखी गई कि जो टीम तैयार की गई है जयराम ठाकुर की, वो T20 खेलती नजर आई, जिस तरह के बड़े फैसले पहली ही बैठक के दौरान लिए गए, बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद देती हूँ, नई सरकार बनी है। पर ज्यादा अच्छा होता कि जिस चीज के लिए भाजपा बड़े बड़े दावे करती थी, सादगी के, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नर्स के, और आप देखेंगे कि जहां जहां भी इनकी सरकार बन रही है, चाहे वो पहले हरियाणा में बनी थी, कहीं भी बनी है, वहां पे एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, वहां से पूरे सेंटर से मिनिस्टर से लेकर 12 राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर पूरी जेट प्लस सिक्योरिटी, चार्टर्ड प्लेन, प्राइवेट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और भव्य आयोजन किए जाते हैं। तो सरकारी खर्चे के ऊपर रैलियां कैसे करनी हो, भाजपा से सीखने वाली बात है, जो कि बहुत एग्जाम्पल ये सेट कर रहे हैं आगे के लिए कि फिजूल खर्ची कैसे की जाती है। और जहां तक बात है इनकी मंत्रिमंडल की, आप देखेंगे कि दिलचस्प बात यह है कि जो मैक्सिमम चेहरे हैं वो संघ से जुड़े हुए हैं, और जहां तक आप धूमल साहब की बार बार बात कर रहे थे कि दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं, एक तरह से दूध में मक्खी की तरह निकालकर उनको फेंक दिया गया है, उनका भरपूर उनके चेहरे का इस्तेमाल कर वोटें तो जीती गई, पर किस तरीके से उनको दरकिनार किया गया है ये सारी जनता आज देख रही है। और उसके बाद आप देखेंगे कि भाजपा को आगे जाकर किसी भी विपक्ष की जरूरत नहीं है, भाजपा पहले दिन से ही धड़ों में बटी है और इनका अंदर अंतर कलह जो है वो आम सड़कों पर आना शुरू हो गया है। तीन धड़े तो इनके पहले से थे, शांता कुमार जी का धड़ा था, नड्डा साहब का धड़ा था और धूमल साहब का धड़ा था, अब कहीं ना कहीं चौथा धड़ा भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जो मेन राजधानी माना जाता है, वहाँ से ज़्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, जबकि बाकी एरिया को ज़्यादा तवज्जो दी गई है, और जो चार मेन एरिए जो मेन माने जाते हैं उनको इग्नोर किया गया, चाहे वो सिरमौर जिला है, चाहे वो चंबा जिला है, चाहे वो हमीरपुर है, चाहे वो बिलासपुर है, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। विशेष तौर पे जो दो विधायक इनके हैं, चाहे वो नरेंद्र जगराता जी हैं, चाहे वो जरियाल जी हैं, दोनों के समर्थकों ने आज वहाँ पे खुलेआम नारे लगाए और ये कहा कि भाजपा शासन जो है वो बिक गया है, इससे बड़ा तमाचा सरकार के ऊपर नहीं हो सकता। पहले दिन से ही अंतर कलह और विरोध से जूझ रही है सरकार, तो आने वाले समय में भाजपा का सुपड़ा भाजपा वाले ही साफ करेंगे, और जो जो धूमल साहब की छवि को धूमल किया गया है हिमाचल अंदर, तो आने वाले चुनावों में इनको उनका जवाब भी आने ला रहे थे। क्या कहती है ये कैबिनेट जो चुनी गई? देखिए, मैं रणजीता मेहता जी के बातों से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो मंत्रिमंडल बनाना होता है वो उनका विशेषाधिकार होता है मुख्यमंत्री जी का, और जैसे कि शिमला की बता रहे थे कि शिमला से बहुत कम प्रतिनिधित्व दिया गया है, शिमला से उनके विधायक ही तीन जीत कराए हैं, वहाँ प्रतिनिधित्व कैसे देते हो बहुत ज़्यादा। और जैसे डिस्ट्रिक्टों की अगर हम बात करें तो तीन डिस्ट्रिक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, कांगड़ा, मंडी और शिमला। अब कांगड़ा में 15 में से 11 जो है वो बीजेपी जीती है वहाँ पे, मंडी में अगर 11 टोटल सीट है तो वहाँ पे 10 जीती है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर जो है प्रतिनिधित्व ज़्यादा दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी कैबिनेट इन्होंने बनाई है, मोस्टली एक्सपीरियंस वाले ही को मंत्री बनाया गया है, खुद जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी एक्सपीरियंस आदमी है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी प्रकार की गलती करेंगे या कोई बात होगी। और एक जो युवा चेहरा है वो वीरेंद्र कंवर जी का है, जो कुटेल ऊना से आते हैं, उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिया गया है। और एक जो चौंकाने वाली बात है, जो बता रहे हैं कि काफ़ी बड़े फैसले लिए गए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा फैसला एक जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन को छोड़कर कोई भी लिया गया है, सारे के सारे फैसले जो हैं वो पॉलिटिकल फैसले हैं। हाँ, जो समीक्षा की जाएगी, जो पुराने स्थानांतरण किए गए हैं उन पर रोक लगा दी जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, वो पॉलिटिकल जो पदों पर जो लोग थे सिर्फ उन्हें रिलीव किया गया, और मोस्टली जो लोग हैं वो अपने आप ही रिजाइन दे चुके होंगे, जितने भी बोर्ड्स के डायरेक्टर हैं या चेयरमैन या मेंबर लगाए जाते हैं सरकार जाने के साथ वो खुद ही रिजाइन दे देते हैं, जो रह गए हैं उनको एक हटाने का ये तो एक तरीका है। एक जो बड़ी अच्छी बात जो इन्होंने की है, वो 70 साल 80 से
उम्र घटा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वो 70 की गई, बल्कि इसमें भी अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, 60 की जानी चाहिए थी उम्र, या 65 तो कम से कम की जानी चाहिए थी। इस पहली कैबिनेट में कोई भी जो फैसला है वो किसानों के रिगार्डिंग नहीं है, कोई भी फैसला जो है वो स्कूलिंग के रिगार्डिंग नहीं है, हालांकि बेसहारा पशुओं को लेकर है। हाँ, बेसहारा पशुओं को लेकर हम गायों बेरोजगारी वो तो समस्या हिमाचल की रखी है, हिंदुत्व की बात है, वो गायों को प्रोटेक्ट करेंगे। और ज्योति जी, मैं एक बात और विशेष आपको बताना चाहूंगा, जैसे अब पिछले कुछ टाइम पहले दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर स्मोक की बड़ी समस्या रही है, एक हिमाचल के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्कूलिंग की, कि यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल बनाए जा सकते हैं। कोई जो फैसला था वो बड़ा फैसला इसमें टूरिज्म को लेकर लिया जा सकता था, जो कि अभी अगले कैबिनेट की मीटिंग्स में शायद दिखेगा। इस मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग के जो डिसीजन है उनमें इन दो डिसीजन को छोड़कर कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया है। ठीक है अमनदीप, आपके पास मैं आ रही हूँ, साथ ही आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि जिन दो विधायकों के कार्यकर्ताओं समर्थकों की ओर से नारेबाजी की गई कि जिस तरह की कैबिनेट का निर्माण किया गया है उससे वो नाराज नजर आए, क्या लगता है इस तरह की खबरें और निकल कर सामने आ सकती हैं, जो नाराजगी है आगे भी देखी जा सकती है, आप बातचीत की कोशिश कीजिए। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे सरिता, जिस तरह से मंत्रिमंडल के नामों की घोषणा हुई मंत्रियों के, उसके बाद दो विधायकों के समर्थकों ने कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, क्या विरोध होना शुरू हो गया है मंत्रिमंडल के नामों के बाद से ही? नहीं, ऐसा डायरेक्ट विरोध नहीं होता, ये सब अपने क्षेत्र के लोगों को तसल्ली देने के लिए जरूरी बनता है कि अपने अधिकार को मांगा जाए, तो ये कोई बड़ा विरोध नहीं है। अभी समय है और माननीय जयराम ठाकुर जी बहुत ही सुलझे हुए तरीके से, बहुत ही शांति वाले ढंग से सभी को चाहेंगे कि प्रदेश में सभी लोगों के काम हो और जहाँ जरूरत पड़ेगी उस एरिया के लोगों को जरूर ही नेतृत्व दिया जाएगा और मंत्री पद दिया जाएगा, ताकि विकास की राह में सबका साथ और सबका विकास संभव हो सके। लेकिन लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी अगर चुनाव से पहले की हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी में गुटबाजी चल रही है, शांता कुमार का अलग गुट है और प्रेम कुमार धूमल का अलग गुट है, जेपी नड्डा का अलग गुट है, और अब एक चौथा जो गुट है वो निकलकर सामने आ रहा है, जयराम ठाकुर का, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बीजेपी भाजपा जो है वो संगठन के तरीके से चलती है और संगठन में विरोध भी होगा तो घरों अपने घर में होता है और वहाँ पर अधिकारों की लड़ाई होती है, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलता है, क्योंकि देश चलाना है और अगर किसी प्रकार का विरोध की बात अगर आप करें तो पूरे देश में आज भगवान ना लहराता, ये अंदर की बात होती है और अपने अधिकारों की। आपने 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 कहा कि ये अंदर की बात होती है, अंदर की बात अंदर क्यों नहीं निपटी, सड़कों पर ये विरोध क्यों आ गया, बड़ा सवाल ये है, सड़कों पर ये विरोध क्यों आ गया, अगर अंदर की बात थी अंदर निपटनी चाहिए थी। डेमोक्रेसी है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बाहर भी निकल गई है तो भी इसको शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ मंडी क्षेत्र की बात अगर आप लें तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर कांग्रेस से कैंडिडेट को उठाया और बीजेपी के वर्करों को ओवरलैक करके अगर दिया तो तब भी भारी बहुमत से बीजेपी के लोगों ने कैंडिडेट को जिताया, तो ये भी तो एक चीज थी। लेकिन विरोध तब भी हुआ था, लेकिन आपको लगता है कि उस विरोध के ऊपर सुखराम कट्टर जो है वो काम करेंगे? जिस तरह की कैबिनेट का निर्माण किया गया है, क्या लगता है? हालांकि आपने पहले भी कहा जिन्होंने हमेशा ही हिमाचल प्रदेश की राजनीति में शामिल किया जाए, चाहे पार्टी बना के निभाई हो, चाहे कांग्रेस में रह के निभाई हो, या आज वो भाजपा के साथ हैं, तो उसमें भी उनकी अहम भूमिका रही है। लेकिन जिस तरह से मंत्रियों को शामिल किया गया, क्या लगता है पूरी तरह से फ्री हैंड दिया गया जयराम ठाकुर को, उनकी छवि को देखते हुए? अनिल आर्य जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल फ्री हैंड तो नहीं दिया गया है, इसमें एक बहुत ही करीबी नेता जो है वो इनके नजदीकी हैं, इनके प्रेम कुमार धूमल जी के, जिनका नाम जो है कैबिनेट में नहीं था और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में उनका नाम सबमिट किया गया है, एडमिट किया गया है।
और इसमें कई चौंकाने वाले चेहरे हैं, जैसे अनिल शर्मा जी हैं, वो पिछली सरकार के समय में पंचायत मंत्री थे और अब जो है वो ऊर्जा मंत्री वहां पर बने हैं, और सलमान खान जी के बहन के ससुर भी हैं वो। एक चौंकाने वाली बात है कि जो नेता कांग्रेस पिछली सरकार में भी मंत्री थे, वो इस सरकार में भी मंत्री हैं। सुरेश, ये बातें थी शुरुआत में, उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें हुई कि बड़ी जिम्मेदारी पार्टी सौंपे की अगर बीजेपी सत्ता में आती है। हाँ, पहले हुआ था कृष्ण कपूर, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, कृष्ण कपूर जी हैं जो धर्मशाला कांगड़ा से जीते, वो बिल्कुल धूमल ग्रुप से हैं, और उन्होंने बहुत ही हैवीवेट जो वीरभद्र के करीबी सुधीर शर्मा जी को हराया था, वो उनको कैबिनेट में स्थान मिला है। तो जैसे धूमल जी का बात है, धूमल जी के लिए उन्होंने पार्टी ने कुछ ना कुछ विशेष सोच रखा होगा, उनको कहीं ना कहीं जरूर एडजस्ट किया जाएगा। इतने बड़े नेता को इग्नोर करना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन मैं जो प्रवक्ता है अमनदीप जी अभी बात कर रहे थे जिनसे, मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि किन्नौर को भी एडजस्ट किया जाएगा। मेरे ख्याल से कैबिनेट बिल्कुल पूरी है, जितना के नॉर्म बनता है अकॉर्डिंग टू नियमों के अनुसार पूरी कैबिनेट बना दी गई, किसी फेरबदल ही संभव है, किसी को हटा के ही मंत्री बनाया जा सकता है, फेरबदल ही संभव है, विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है। रंजिता जी, आपसे जानने की कोशिशें करेंगे, जिस तरह से कैबिनेट निर्माण किया गया, हालांकि अनिल आरी जी कहते हैं कि धूमल को नजरअंदाज किया जाना संभव नहीं है, फिर क्या लगता है, क्या विकल्प है धूमल साहब के सामने, या फिर मानकर चला जाए कि सक्रिय राजनीति से दूर होना ही अंतिम विकल्प होगा उनके सामने? बिल्कुल यही अंतिम विकल्प उनके लिए बचेगा, जिस तरीके से उनको इग्नोर किया गया है और आज वो कहीं दिखेगी भी नहीं, जब भी सब कार्यक्रम चल रहा था तो साफ नजर आ रहा है कि उनको टोटली इग्नोर किया गया है। और आप देखेंगे कि जो ये अभी कृष्ण कपूर की बात कर रहे थे अनिल आर्य जी, रात को 2:30 बजे तक भी लिस्ट फाइनल नहीं हुई थी, और ये नाम जो है लास्ट में एक जाति विशेष को सेटिस्फाई करने के लिए ऐड किया गया, क्योंकि उस जाति को कुछ भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे और उम्मीद की जा रही थी 6 से 7 मंत्री बनेंगे और बाकी विस्तार ये बाद में करेंगे, पहले दिन ही 12 मंत्री थोप दिए गए हैं। अब दिलचस्प बात ये देखने वाली है कि आने वाले समय में कितने नंबर ऑफ OSDs जो है वो शामिल किए जाएंगे, और CPS और जो पहले भी हरियाणा में भी इन्होंने बनाए थे, फिर इनको फटकार लगी थी कोर्ट की तरफ से और फिर उनको हटाया गया था। हर एक सरकार की कहानी है, तो इनके यहाँ पे वो कितने डाले जाते हैं या नहीं डाले जाते, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि पहले दिन ही इन्होंने पूरा कोटा जो है वो पूरा कर लिया। CPS तो नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि CPS को लेकर खुद बीजेपी, हिमाचल बीजेपी जो है वो कोर्ट तक गई थी। आप देखेंगे कि पिछले दिनों में जो चुनाव है दिन पर दिन महंगा करती जा रही है भाजपा, जिस तरीके से पैसों का दुरुपयोग होता है और जिस तरीके से फंडिंग की जा रही है, तो आने वाले समय में देखने वाली ये बात है कि जो कर्जा हिमाचल सरकार के ऊपर है वो अभी तक विदिन लिमिट्स है, वो विदिन लिमिट्स है, बड़ी रही, तो वो विदिन लिमिट्स है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो विदिन लिमिट्स है, जैसे कि हरियाणा में भी हमने विदिन लिमिट्स छोड़ा था, पर आज वो कर्जा हरियाणा में तो डबल हो चुका है, 80,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है, तो ये हरा तो हिमाचल के ना कर दे, जो विकास की पटरी है ठीक है वैसे ही चले जैसे कांग्रेस की सरकार। चले चर्चा करेंगे, वक्त एक ब्रेक का है, उसके बाद जानने की कोशिशें करेंगे कि सरकार से उम्मीदें कितनी है, जितना बहुमत दिया गया है, जिस तरह के कैबिनेट में चेहरे शामिल किए गए हैं, युवा CM सूबे को मिले हैं, कितना विकास वो करवा पाएंगे और बीजेपी के भीतर की जो राजनीति है उसमें किस तरह का बदलाव आएगा, जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, हम बात कर रहे हैं हिमाचल की कैबिनेट की, और जो पहली बैठक हुई उसमें जो फैसले लिए गए वो कितने बड़े हैं, कितने जरूरी थे, और आगे अगर इसी गति से सरकार काम करेगी पहली बैठक की तर्ज पर तो कितना विकास संभव होगा, कितनी उम्मीदें सरकार से हैं, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, रंजिता जी आपका रुख मैं करना चाहूंगी, जो फैसले आज लिए गए कि 80 साल के जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी आयु की जो सीमा है उसको 70 कर दिया गया, क्या लगता है कितना बड़ा फैसला है, कितना किए जाने की जरूरत थी, हालांकि कांग्रेस नहीं कर पाई, कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ने अपनी पहली बैठक के दौरान ये बड़ा फैसला लिया? नहीं, अच्छा इनिशिएटिव है, और जो जैसे कि अनिल आर्य जी ने कहा कि उम्र और भी कम की जाती तो बेहतर था, 65 साल की उम्र
आइडियल उम्र मानी जाती हूँ कि आजकल आप लोगों ने नहीं किया, आप लोग कर सकते थे, सरकार में थे आप लोग, बिल्कुल कर सकते थे, किसी भी चीज की अगर बैठक के दौरान किया, एक बार के लिए सुनिए मैम, पहली बैठक के दौरान किया, अच्छा फैसला है, विपक्ष के लिहाज से आप लोग इसको साधुवाद देंगे कि अच्छा फैसला लिया गया सरकार की पहली बैठक में? देखिए बिल्कुल स्वागत करते हैं और जो फैसले अच्छे हैं उनकी हमेशा हम तारीफ करेंगे। हम विपक्ष केवल इसीलिए नहीं होते कि हम सिर्फ बुराइयों के लिए बैठे हैं, जो चीजों पे सरकार सही काम करेगी उसकी हम प्रेज भी करेंगे, पर कम से कम अब ये तो उम्मीद होगी कि सेंटर जो अभी तक दुर्भावना से काम कर रहा था और बार बार हिमाचल में एक ही स्टेटमेंट जारी होती थी कि सरकार गिरने वाली है, सरकार गिरने वाली है, कहीं ना कहीं अब प्रॉपर बजट्स वहां पे पहुंचेंगे और प्रॉपर ध्यान जो है सेंटर का हिमाचल की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो यही था कि बजट्स उनको सफिशिएंट नहीं मिल रहे थे और कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा था। और जहां तक सेकंड चीज, कल भी हमने इस बात पर चर्चा की कि 2 साल ऐसा रहा जब हिमाचल में भी आप लोग रहे, केंद्र में भी आप लोग रहे, तब भी धूमल साहब कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लेकर आए थे, तब भी विकास कार्य इतने नहीं हो पाए थे, छोटा सा जवाब। देखिए कभी भी हमने इस तरीके से काम नहीं, जिस तरीके से भाजपा सरकार काम करती है, हमेशा उन स्टेट्स को तवज्जो दी जाती है जहां पे इनकी सरकार है और बाकी स्टेट्स के साथ भेदभाव का मामला तो हर स्टेट में देखने को आपको मिलेगा। और दिलचस्प भी बात एक और भी बता सकती हूँ आपको, जो अनिल शर्मा जी, जिनको जो कि कांग्रेस पार्टी में थे, एक दिन पहले ही इन्होंने भाजपा ज्वाइन कराया और वो गंगा जल में धुल गए। जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक तो उनके और उनके पिता के ऊपर बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते थे और कहा जाता था कि भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और एक ही दिन में वो गंगा जल से धुल के भाजपा में ठीक हो गए और बहुत इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय है, पावर सेक्टर जो है, वो उनको सौंपा गया है। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। और भाजपा की खुद की जो प्रवक्ता वहां से बोल रही थी महिला, उन्होंने भी खुद इस बात का जिक्र किया कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि हम में से किसी एक को टिकट दी जाएगी, हमारे ऊपर अनिल शर्मा जी को थोपा गया। तो वही आप साफ देख रहे हैं कि अंदर कलह और जो है। चलिए बीजेपी का पक्ष जानेंगे, प्रवीण शर्मा है हमारे साथ, हिमाचल के उप प्रदेशाध्यक्ष फोनलाइन पर जुड़े हैं। शर्मा जी स्वागत है आपका, सबसे पहले आपको बधाई आपकी कैबिनेट के लिए, आपकी सरकार के लिए। और पहला आपसे सवाल मैं ये करना चाहूंगी, कितनी उम्मीद करे हिमाचल की जनता आप लोगों को, जिस तरह का बहुमत दिया, जयराम कैबिनेट आज बन गई, पहली बैठक कर ली गई, विकास को लेकर कितना इंतजार और करी और कितनी उम्मीद है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए ही जानी जाती है जी, और भारतीय जनता पार्टी जहां जहां राज्यों में रही है वहां वहां विकास के उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और हिमाचल प्रदेश में एक नौजवान के नेतृत्व में सरकार बनी है जी, और मुझे और प्रदेश की जनता को पूरा विश्वास है कि श्री जयराम के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक प्रदेशवासी के सपने को पूरा करेगी जी, और विकास की एक नई इबारत ये सरकार प्रदेश में लिखेगी, ऐसा मेरा ही नहीं जनता का विश्वास है। और मुझे ये भी कहना है कि जनता कांग्रेस के कारनामों से त्रस्त थी, दुखी थी, और उन कारनामों की सजा देने के लिए कांग्रेस पार्टी को दंड दिया है जनता ने इस चुनाव के अंदर। और जिस प्रकार से मैं बातें सुन रहा था, मुझे अभी भी यह लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलतियां की हैं जब वो सत्ता में रहे हैं। भ्रष्टाचार उन्होंने किया, कानून व्यवस्था ठीक है, आप लोगों के पास मौका है, आप लोग कितना और क्या करेंगे, क्योंकि हिमाचल को ही छोड़ दें तो 13 राज्य ऐसे हैं जिसमें सिर्फ बीजेपी अकेले अपने दम पर है, वहां कितना विकास करवाया, वहां भ्रष्टाचार का कितना खात्मा किया, वो भी बड़ा एक सवाल है, वो भी एक पहलू है। आपसे सवाल करेंगे, हाँ आपसे सवाल करेंगे, अनिल आर्य जी है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक पैनल पर है। सर ये बताइए कि आपके मुख्य एजेंडे में क्या क्या चीज है, जैसे 3-4 चीजें मैं बताऊंगा। एक तो सड़कों की हालत जो है वो बहुत खराब है, किसानों की हालत बहुत खराब है, किसान जो है आपके यहाँ कैश क्रॉप्स होती हैं सारी की सारी, जो उन्हें चंडीगढ़ लेके आनी होती है, दिल्ली तक लेके आनी होती है। और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो वैसे तो कानून व्यवस्था की स्थिति काफी ठीक रही है, लेकिन गुड़िया के बाद में यहाँ भी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब रही है। तो आपका जो मेन मोटिव है, मेन फोकस है, वो किन सब्जेक्ट्स पर रहेगा? देखिए अभी सरकार बनी है, धीरे धीरे हम सब चीजों को दुरुस्त करेंगे, लेकिन सबसे पहली जो है कि जनता का कानून के प्रति विश्वास कायम हो, जनता के जान माल की रक्षा हो, पब्लिक जो है वो सुरक्षित महसूस करे, महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, और कानून व्यवस्था कायम हो, सबसे पहली प्राथमिकता ये है। ठीक है शर्मा जी, जो कैबिनेट बनाई गई, जिन चेहरों को शामिल किया गया, उसमें क्या प्राथमिकताएं बरती गई? देखिए
सभी चेहरे जो शामिल किए गए हैं अनुभवी और युवा चेहरे हैं और जिनमें कुछ कर दिखाने का जोश है, जिनमें कुछ कर दिखाने का मादा है और इसी चीज को लेकर के इस कैबिनेट का गठन हुआ है। और कैबिनेट में सबसे बढ़िया बात जो ये है कि हमारी कैबिनेट एक युवा कैबिनेट है, एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक युवा कैबिनेट पब्लिक फिर और हमीरपुर की पब्लिक क्या समझे जनाब, जब आप ये कहें कि युवा हमारी कैबिनेट है, युवा हमारी सीएम है, हमीरपुर की जो पब्लिक है उसको क्या संदेश आप देंगे? जहां के जो नेता रहे उनकी सीट बदलवाई गई, वो हार जाते हैं, उसके बाद उनको सीएम नहीं बनाया जाता, उसके बाद उनके कार्यकर्ता नाराज भी नजर आए। सुनिए एक बार के लिए, माफी के साथ रोकूंगी, आज भी उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक उनके साथ नजर आए, जिनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया, शर्मा जी एक बार के लिए सुनिए, आपसे ही मैं सवाल कर रही हूँ, उनके कार्यकर्ताओं की ओर से साफ कहा गया कि अगर आपके जो करीबी है उनको कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। जी शर्मा जी बोलिए। इस बात पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है इसी विषय पर आज हमको चर्चा करनी चाहिए। हमें विषय शर्मा जी आप सुनेंगे तो हमें आसानी रहेगी, दर्शकों को भी आसानी रहेगी। विषय ये भी है कि धूमल के हमीरपुर से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया है, क्या धूमल की सक्रिय राजनीति पर अंकुश समझ लिया जाए? ऐसा है क्योंकि कार्यकर्ता जो थे, समर्थक जो थे उनके, वो आज नाराज नजर आए हैं और उस वक्त जब ऑब्जर्वर्स मीटिंग कर रहे थे, पीटर हाफ की हम बात कर ली, उस वक्त भी धूमल के पक्ष में नारेबाजी की गई थी कि धूमल को जिम्मेदारी दी जाए। देखिए ऐसा है कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विषय में नारे लगाते हैं और ये कोई नई बात नहीं है, उत्साह में कार्यकर्ता नारे लगाते हैं। जहां तक कैबिनेट में संतुलन की बात है, हमीरपुर पार्लियामेंट्री से 3 लोगों को मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है जी। तो ये कहना बिल्कुल बेमानी है कि कहीं किसी पार्लियामेंट्री को हमने ओवरलुक किया है, किसी के साथ भेदभाव किया है, पूरे प्रदेश के साथ। और अगर पार्टी को लगेगा कि कोई रह गया है तो पार्टी उस पर कोई पुनर्विचार करेगी, क्या करेगी, फेरबदल करेगी, क्या पार्टी फेरबदल कर सकती है? अनिल आर्य जी वही बात फिर से निकल कर सामने आ रही है कि पार्टी ऐसा कोई विषय आया नहीं है जी। अभी तक इस प्रकार का कोई विषय आया नहीं है और जब कभी ये विषय आएगा तो पार्टी उस पर विचार करेगी। अनिल आर्य जी जो विषय ये था कि कार्यकर्ता जो है आज भी नाराज नजर आए, हालांकि और ये जो कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता नाराज थे, अगर कार्यकर्ता नाराज होते तो आज हजारों की संख्या में लगभग 30,000 लोग शिमला में इकट्ठे हुए, इतने लोग नाराजगी के कारण से नहीं इकट्ठे होते, इतने लोग खुशी के कारण से इकट्ठे होते। ठीक है अनिल आर्य जी, क्या लगता है नाराजगी हो सकती है क्या धूमल जैसे कद्दावर नेता के जो करीबी माने जाएं, साफ तौर पर उनके गृह जिले से अगर कोई मंत्री नहीं बनाया जाए, हालांकि संसदीय जो सीटें हैं उसका एक अलग पहलू हो सकता है, क्या लगता है कितना आसान या कितना मुश्किल रहेगा जयराम ठाकुर के लिए? ज्योति जी देखिए, जब से सत्ता का विकेंद्रीकरण शुरू हुआ है, सत्ता जो है मुख्यमंत्री तक आ गई है, सारी जो पावर्स हैं, पहले अधिकारियों के पास बहुत सारी पावर्स थी, वो मंत्रियों तक पहुंची, मंत्रियों से मुख्यमंत्री तक पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री का जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और जो मुख्यमंत्री के पद के लिए जो कैंडिडेट या उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं उनके रिगार्डिंग लगभग 10-15% जो है वोट पड़ता है CSDS के आंकड़ों के अनुसार। तो मुख्यमंत्री का जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री ना बन पाने की जो टीस है वो धूमल जी के दिल में भी रहेगी, उनके वर्करों में भी रहेगी, उस क्षेत्र के लोगों के में भी रहेगी। आप जिस भी मुख्यमंत्री क्षेत्र से बनते हैं वो अधिकारी उसको बिल्कुल चमका के रखते हैं, सारे जो मतदाता है वो इस बात को जानते हैं, क्षेत्र के लोग भी जानते हैं, टीस रहेगी, लेकिन जो नारेबाजी की गई है या नाराजगी जताई गई है अभी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अति उत्साह में नारेबाजी की जाती है। एक जो बड़ी बात यह है कि बीजेपी को अब ऐसी सरकार चलानी चाहिए जो पार्टी विद डिफरेंस का जो ये नारा लगाते हैं, ये दावा करते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो दूसरों से अलग है, वो डिफरेंस दिखे भी और उसको जनता महसूस भी करे कि ये सरकार जो है पहले वाली सरकार से बिल्कुल अलग है, और परिवर्तन किया तो बदलाव भी हुआ, जनहित के फैसले लें जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसला हो और जो विकास है या जो डेवलपमेंट की बात है वो आखिरी आदमी तक पहुंचे, बिल्कुल विकास हो तो विकास दिखे भी। अमनदीप का हम रुख करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, साथ ही जो आम पब्लिक है उनसे जानने की ये कोशिशें कीजिए कि कितनी उम्मीदें हैं कि सरकार अपने दृष्टि पत्र पर आ जाएगी, जो वादे दावे किए गए थे उनको पूरा करने की दिशा में काम शुरू कर देगी।
जी बिल्कुल, यहाँ मैं जानना चाहूँगा अजीत जी, ये बताएं कि आपको कितनी उम्मीद है कि जो वादे चुनाव से पहले किए गए थे, जो अभी सरकार बनी है, मंत्रिमंडल बना है, उन वादों को वो पूरा कर पाएगा, कितनी उम्मीदें आपको लगती हैं? बिल्कुल, हमको पूरी उम्मीद है कि हमने जो वादे किए हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है, उसको पूर्ण रूप से पूरा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि कांग्रेस सरकार ने हमारी जब सरकार छोड़ के गए हैं तो 50,000 के करोड़ के करीब कर्जा छोड़ के गए हैं, उसके बावजूद भी हमको पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में और जयराम जी अपने इसको पूरे जो हमने वादे किए उनको पूरा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक की से कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर इतना कर्जा छोड़ के गए हैं तो जिस तरह से ये भव्य कार्यक्रम आज किया गया, इन पर करोड़ों रुपए खर्च क्यों किए गए? कोई ऐसा तो गलत बात है कि भव्य कार्यक्रम किया गया, करोड़ों रुपए खर्च दिए, और कांग्रेस ने जो छोड़ के उनको हेलीकॉप्टर पर ही सैर करते रहे चीफ मिनिस्टर हो, तो उस वक्त सोचा नहीं वो कितना कर्जा दे रहे हैं, कितने बोर्डों के चेयरमैन आना है, कितने बोर्डों के मेंबर होना है, उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा कितना कर्जा छोड़ के जा रहे हैं हम। ये तो एक मुफ्त का एलिगेशन जो है बीजेपी की सरकार पहले ही ये लगाना कांग्रेस से शुरू कर दिया है, ये दुर्भाग्य की बात है। अभी सरकार उन्होंने देखी नहीं और एलिगेशन लगाना पहले शुरू कर दिए, ये तो गलत बात है, बिल्कुल निश्चित गलत बात है, और हिमाचली जनता इसको टॉलरेट नहीं करेगी। शर्मा जी, आपसे ये जानने की कोशिश हम करेंगे, पहली बैठक के दौरान जो फैसले लिए गए उनमें कोई बहुत बड़ा फैसला नजर नहीं आया, तो सरकार की प्राथमिकताएं जो है उनको कैसे परिभाषित किया जाएगा? हालांकि ये एक बड़ा फैसला है कि 80 साल से बुजुर्गों की जो पेंशन है उसको 70 साल आयु सीमा करने का आप लोगों ने निर्णय लिया। देखिए ज्योति, ऐसा है कि आज सरकार का गठन हुआ है जी, और आज ही जिस प्रकार से के आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है। ठीक, आज सरकार का पहला दिन है, अभी कैबिनेट पूरी मीटिंग भी नहीं हुई है, अभी औपचारिक बैठक हुई है, और आज ही आप इतने सवाल दाग रहे हैं जी। मुझे लगता है आज नहीं, मैंने कुछ शब्द कहे हैं, दो शब्द मैंने कहे हैं जो अपने आप में तस्वीर को साफ करते हैं कि आपकी प्राथमिकताओं की परिभाषा क्या है, प्राथमिकताओं की परिभाषा क्या है, वो पहली बैठक से निकल कर सामने आएगा, थोड़ा सा आएगा, थोड़ा दिखेगा कि परिभाषा क्या है आपकी प्राथमिकताओं की, साथ ही विभाग किसको कौन सा दिया जाना है, ये तस्वीर कब तक साफ हो पाएगी? शर्मा जी, हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हम प्रदेश का सर्वांगीण विकास करेंगे, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो युवाओं के प्रति, चाहे महिलाओं के प्रति सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने की बात हो, प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार संवेदनशीलता से काम करेगी। ठीक है, अच्छी बात है, जनता उम्मीद करती है। जरा इस सवाल का आप जवाब दीजिए, बैठक जारी है, बैठक जारी है, एक बार के लिए सुनिए शर्मा जी, समय तो दीजिए थोड़ा, बैठक जारी है, मैं आपसे एक और सवाल कर लूं, बैठक जारी है, कब तक साफ हो जाएगा, कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाना है? बहुत जल्दी ये सारा तय हो जाएगा, और जैसे ही तय होगा मीडिया को सारा रिलीज किया जाएगा। जी रंजिता जी, आपके पास आने की हम और ये जानने की कोशिश मैं करूंगी कि जिस तरह से शर्मा जी ने कहा कि आप सवाल जिस तरह के दाग रखे हैं, ये जल्दबाजी है, जब तक सरकार में नहीं आते तब तक एक दिन में एक बैठक में बड़े बदलाव की बातें होती है, सत्ता की शुरुआत से बड़े बदलाव की बात होती है, जब पहली बैठक में ये पूछा जाए कि आप लोगों की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, एजेंडा क्या रहेगा, तो उसको जल्दबाजी कहा जाता है। बिल्कुल, शर्मा जी अभी कह रहे हैं कि हमें जश्न का माहौल है, हमें अभी जश्न पार्टियों में मस्त रहने दीजिए, आज हमसे सवाल क्यों दाग रहे हैं? आप देखिए कि पहले ही दिन जो निगम और बोर्डों को भंग किया गया है, कहीं ना कहीं जो 32 विधायक बच गए हैं जिनका दबाव है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लेकिन जिनका दबाव जो 32 एमएलए बच गए हैं, कहीं ना कहीं वो इस दौड़ के अंदर है कि किसको चेयरमैन बनाया जाता है, किसको उपाध्यक्ष बनाया जाता है, किसको अध्यक्ष बनाया जाता है, तो इस दौड़ में 32 विधायकों के दबाव के चलते जो डिसीजन आज लिया गया है, जबकि जो तीन मेन एरिया है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो रोजगार है, ये तीन मेन क्षेत्र है, टूरिज्म है, इनको लेकर कोई भी बड़ा फैसला या बड़ी स्टेटमेंट भाजपा की तरफ से नहीं आई है, तो जो हिमाचल की जनता है कहीं ना कहीं वो तुक्तुक लगाए बैठी है कि इन किसके लिए भाजपा जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, इसके लिए वो क्या करेगी, कहीं वो भाजपा हरियाणा की तरह कर्जा 80,000 करोड़ से 160 करोड़ पे ना कर दे, वही हालत अगर 50,000 करोड़ की बात कर रहे हैं कि हिमाचल में हमने कर्जा छोड़ा है वो विद इन लिमिट्स है, कहीं ना कहीं भाजपा की यही उम्मीद है कि वो 100 करोड़। किसी भी कैबिनेट की पहली बैठक कितनी खास होती है और कितने सवाल उस पर किए जा सकते हैं फैसलों को लेकर? देखिए ज्योति जी, ये पहली जो बैठक है ये अनौपचारिक बैठक होती है, और इसमें जो है चीफ सेक्रेटरी जी एजेंडा पेश करते हैं, बहुत कम एजेंडे जो हैं वो मंत्रियों द्वारा या चीफ मिनिस्टर द्वारा पेश किए जाते हैं, कोई बड़ी इसमें डिसीजन की उम्मीद नहीं होती है कभी भी, जो डिसीजन लिए जाते हैं वो एक तय
आधिकारिक जो होता है उसके तहत ही लिए जाते हैं। तो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट जो बात थी वो यही है कि जितने भी बोर्ड में के चेयरमैन थे या इन कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम के लगाए गए थे वो सारे के सारे हटाए गए हैं। मोस्टली जिन्हें इस्तीफा दे दिया होगा, कोई ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ती इनको। कुछ आदमी है जिनको भंग किया जाता है, कुछ इकाइयां ऐसी होती हैं जिनको भंग कर दिया जाता है, कुछ और कर दिया जाता है, लेकिन जो बड़ा फैसला है वो यही है। एक तो कि 70 साल से उम्र की गई है इसके सामाजिक सुरक्षा पेंशन की, और एक जो ये कहा गया है कि जो इनका मैनिफेस्टो है उसको नीति आयोग के तहत लेके आया जाएगा। इसने बहुत बड़े 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 वायदे बीजेपी ने किए हैं और आज इनके पास पूरा करने का समय भी है। केंद्र में भी इनकी सरकार है, कोई 50,000 करोड़ जो इसके ऊपर लोन होता है स्टेट के ऊपर, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही पॉकेट है, एक पॉकेट में से उस दूसरी पॉकेट में डाल दिया जाता है। ये तो एक जो है आंकड़ों की बाजीगरी है, ये इससे बड़ी बात नहीं है। फिलहाल के अपडेट है वो ले लेते हैं। उमेश शर्मा हमारे संवाददाता राजधानी शिमला से फोन लाइन पर जुड़े हैं। उमेश, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास कैबिनेट को लेकर और विभागों के बंटवारों को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि तमाम तरह की मथापेची के बाद भी अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि मंत्रियों की शपथ हो गई है, लेकिन मंत्रियों को अभी तक ये मालूम नहीं है इसको कौन सा विभाग मिला है। तो अभी तक सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सब तमाम मंत्री जिनको लगभग सब मंत्रियों को उनके दफ्तर भी अलॉट कर दिए गए हैं, कुछ का स्टाफ भी अलॉट कर दिया गया है, लेकिन सबके दिमाग में यही अब ख्याल घूम रहा है, यही सवाल घूम रहा है आखिर किसको क्या मिला। तो लगभग सबका यही इंतजार है कि किसके पाले में कौन सा विभाग आया, सब इसी के इंतजार में बैठे हैं। और केवल मंत्री नहीं, उनके समर्थक और बाकी लोग जो तमाम उनके परिजन, काफी लंबी कहें कि मैराथन ये मीटिंग चल रही है, खत्म कब होगी, कब तक चलनी है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, पहले दौर की मीटिंग हो चुकी है, कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ कुछ मंत्रियों की अनौपचारिक बातचीत हुई है। उसके बाद ये सूत्र ये बता रहे हैं कि आज रात से एक बार दोबारा ये बैठक हो सकती है, इस पर कोई मंत्रणा होती है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि कोई बड़ा नेता या कोई प्रभारी भी इसमें इंटरवेन कर सकते हैं। तो फिलहाल यही अब लबल वाव निकल के आ रहा है कि फिलहाल किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला। ये अभी सबके जहन में ये सवाल घूम रहा है, मंत्रियों के जहन में भी घूम रहा है, उनके परिजनों के भी, उनके समर्थकों के भी। बिल्कुल, सवाल तो है ये कि कौन से मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। प्रवीण शर्मा जी, आपसे ये जानना हम चाहेंगे, जिस तरह से कर्ज में हिमाचल डूबा है, आप लोग चुनाव से पहले कहते रहे कि संसाधनों में जो इजाफा किया जाए, कर्ज की कमी लाई जाए, कि कर्ज कम हो जाए, आंकड़ा छोटा हो जाए, उसके लिए क्या कदम उठाएगी सरकार? देखिए, आज मैंने पहले भी कहा है, आज सरकार का गठन हुआ है और पहली अनौपचारिक बैठक आज चल रही है और बहुत जल्दी प्रदेश को विकास के रास्ते पर चलाया जाएगा। और ये कर्ज के जाल में कांग्रेस पार्टी के लोग और भ्रष्टाचार के और लॉलेसनेस के जाल में जो प्रदेश को फंसा करके गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता लॉलेसनेस खत्म करने की होगी और महिलाओं और युवाओं को सुरक्षित करना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना और सुनिश्चित करना, ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता। रंजीता मेहता जी, आपने सुना अभी प्रवीण शर्मा जी को कि अभी बहुत जल्दबाजी है, हालांकि हर एक सवाल का कमोबेश पब्लिक ने आपको वोट दिया, आपका एजेंडा देखकर, आप लोगों के वादे देखकर, चुनावी जो वादे किए गए, जो मुद्दे थे उनको देखकर वोटिंग कर दी गई, बहुमत में आप लोग आए, कैबिनेट निर्माण हो गया, उसके बाद सवाल जब करते हैं, एजेंडा पूछा जाता है तो आपको जल्दबाजी लगती है। रंजीता मेहता, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार का एजेंडा क्या होगा जवाब नहीं दे रहे। अभी इन्होंने पीछे कहा था कि कांग्रेस को दंडित किया गया है, 10 साल तक देश में हमारी सरकार रही है और एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज होती है, जो ट्रेंड है वो तो हर साल चेंज होने का होता है, फिर भी 10 साल लगातार कांग्रेस रही है, कांग्रेस ने लगातार वहां पे विकास किया है। आपको सरकार ने मौका दिया है, अब लोगों जनता ने मौका दिया है, अब आप उस मौके पर कितना खड़े उतरते हैं, हिमाचल की जनता आपके ऊपर बैठी है। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे और प्रदेशों के अंदर आपका भ्रष्टाचार बढ़ा है,
जैसे महिला सुरक्षा को लेकर बाकी प्रदेशों के अंदर आपके साथ जो आंकड़े बढ़े हैं वो हिमाचल में मत करिएगा जनाब। एक गुड़िया कांड के अलावा और बाकी लॉ एंड ऑर्डर जो स्थिति थी वो हिमाचल में बहुत ही अच्छी थी और लोग इस बात को मानते हैं। तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप जो विकास की पटरी की बात करते हैं वो इंजन को आप स्टार्ट करना भूल ना जाइएगा। वो ट्रेन जो पटरी पर चढ़ाई हुई है कांग्रेस में उसको जुड़े शुभकामनाएं हमने आपको दी। अच्छी बात है, आप लोगों का पहला दिन है, कैबिनेट ने शपथ आज ले ली है, पहली ही बैठक रही। आपने कहा कि अभी जल्दबाजी है, आप इतना बता दीजिए कि ये सवाल कि विकास कब शुरू करवा देंगे, घोषणा पत्र पर काम कब होगा, एजेंडा और प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, वो सवाल कब किया जाए आपसे, कोई तारीख? ऐसा है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार को लोगों ने 5 साल के लिए चुना है जी, आप पहले दिन की पूछ रहे हैं। सरकार पूरे 5 साल काम करेगी, लेकिन आज पहले ही दिन जिस प्रकार से आप प्रचार कर रही हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नाजायज है। हमको काम शुरू तो करने दीजिए, और जब हम काम शुरू करेंगे, चलिए शुक्रिया आपका, इश्क है रोता है क्या, आपसे हम सवाल करते रहेंगे, हम फिर से मुद्दा उठाएंगे, हिमाचल के वादे क्या किए गए थे, हिमाचल को काम कितना किया, हम आपसे बार बार पूछेंगे। जब भी कोई विषय आएगा तो उसको उठाने का आपको हक है, हम नहीं कहते कि आप नहीं उठाएं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, हम ये जरूर कहते हैं, बातचीत करते रहेंगे हम, सरकार को काम करने के लिए समय देना चाहिए। आपके पास हम आएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल जो बैठक हुई और जो कैबिनेट का निर्माण हो चला है, क्या लगता है कितना विकास हो पाएगा? जी जी बिल्कुल, इसका जवाब मुझसे बेहतर जो हमारे साथ बीजेपी के जो यहाँ प्रेस सचिव खड़े हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, क्या लगता है आपको कितना विकास यहाँ हो पाएगा? बहुत छोटा जवाब, विकास अपनी पूरी गति पे आएगा जी, अब तो डबल इंजन चलेगा। चलिए शुक्रिया मंत्री, आपका सवाल पूरी चर्चा में यही रहा कि विकास कितना हो पाएगा, चूंकि वादे बहुत बड़े किए गए थे, हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता का कहना रहा कि अभी जल्दबाजी है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए। तो पहला ये दिन रहा और पहले ही दिन हमने ये सवाल किए कि घोषणा पत्र पर पार्टी काम करना कब शुरू कर देगी, पहली बैठक में जो फैसले लिए गए वो कितने बड़े थे, कितनी उम्मीदें अभी सरकार होंगे, इन सवालों के जवाब लिए फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।